सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑर्डर आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, लेकिन वो ऑर्डर आपने रिफ़ंड कर दिया, लेकिन आपका रिफ़ंड पैसा वो आपके यूपीआई के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आना था, लेकिन अभी तक वो यूपीआई आईडी के थ्रू वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये प्रोडक्ट है रिफ़ंड कर दिया था, ठीक है मैंने, लेकिन ये ऑर्डर मेरा चला गया है, डिलीवरी बॉय ले जाता है, लेकिन अभी तक मेरा ऑर्डर आया था, लेकिन उसको डिलीवरी बॉय को मैंने दे दिया, लेकिन मेरा जो पैसा बैंक अकाउंट में आना था वो अभी तक नहीं आया है। तो आपका जो बैंक अकाउंट में पैसा आना था वो आ जाएगा, तो कैसे आएगा, तो मैं वही प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो बगल में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाला हर नया लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट है इसको मैं रिफ़ंड कर दिया, लेकिन मेरा पैसा अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आया। प्रॉब्लम आपकी यही है, ठीक है। अगर आपकी प्रॉब्लम यही है तो आप लोग वीडियो को रुक सकते हो, नहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम इसके किसी का नहीं लेता हूँ और ना ही फालतू वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बैक करके दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बैक आना है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये प्रोडक्ट मैंने रिफ़ंड कर दिया था, अब पैसा नहीं आया तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको अकाउंट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है हेल्प सेंटर, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक। एक नया प्रोसेस है, मैं वही बताऊँगा, कोई भी वीडियो फेक नहीं बनाता हूँ। हेल्प सेंटर पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हेल्प सेंटर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलता है हेल्प टिप्स, इस पर क्लिक करेंगे, हेल्प टिप्स या फिर ब्राउजर टिप्स, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आप लोग देख पा रहे हो कई सारे इंटरफेस नज़र आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, पहला ऑप्शन आपको चूज़ करिएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अदर इशू, अदर इशू पे आप लोग क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कई सारे इंटरफेस देखने को नज़र आ जाते हैं, आप लोग देखने को मिलता है, देखने को मिलता है पेमेंट रिलेटेड, आपको इस पर क्लिक करना है, आपको किसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, पेमेंट रिलेटेड, क्योंकि मेरे पेमेंट नहीं आ रहा तो पेमेंट रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम हो सकती है ना, ठीक, तो उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आपको दूसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऑप्शन, अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, रिक्वेस्ट ए कॉल, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है रिक्वेस्ट आपकी चली जाएगी तो विद इन वन मिनट्स में उधर से कॉल आ जाएगी, तो यहाँ पे इमीजिएटली कॉल आ जाती है, तो आप लोग इस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आपको किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगते हो बात करने में, तो आपको वो लैंग्वेज यहाँ से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हिंदी है, भोजपुरी है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयाली है, ठीक है, उड़िया है, जो भी आप लोग चूज़ करना चाह रहे हो वहाँ से कर सकते हो, तो मैं हिंदी को चूज़ करता हूँ, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड, मैंने हिंदी चूज़ कर लिया, इसके बाद यहाँ पे मैसेज टाइप करेंगे। अब मैसेज टाइप करने से पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आपका ये नंबर यही है, ठीक है, यही वाला आपका नंबर है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस नंबर को आप लोगों को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अगर आपका नंबर में रिचार्ज नहीं है, अदरवाइज़ या फिर आपका नंबर दूसरा है, ये नहीं है, दूसरा गलती से डल गया है, ये नंबर नहीं है, तो आप लोग नंबर यहाँ पे चूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे नंबर मेरा यही है, ठीक है, तो इसको कंटिन्यू कर इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैसेज यहाँ पे टाइप करना, जैसे कि मैं मैसेज टाइप कर लेता हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं मैसेज लिखता हूँ, जैसे कॉल मी बैक लिख दिया था और यहाँ पे राइट करता हूँ, कॉल आएगी उधर से थोड़ी देर में और आप लोग रिसीव कर लेना, उनको बताना है सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी तो ये रिफंड मेरा अभी तक नहीं आया, तो उनको बताना है, तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है।